भव्य बिश्नोई का चुनाव प्रचार करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह बने अब तक के सबसे कम समय तक पत्रकारों के सवालों के सामने टिकने वाले मंत्री। संदीप जी, खेल नीतियों की आपने बात करी, सुन लीजिए ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सवाल छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं झेल पाए पत्रकारों के सवालों का वार, देते हुए दिखाई दिए गोलमोल जवाब। डिटेल आपको मिल जाएगी स्टेडियम पर स्टेडियम की, कौन कौन से स्टेडियम में क्या क्या कार्य हुए हैं। बीजेपी का स्टार प्रचारक कहीं डुबा ना दे भव्य बिश्नोई की ही लुटिया। यहाँ पर पहले इसी प्रकार चलता रहा था कि स्टेडियम बना दो, खिलाड़ी है नहीं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर सारे स्टार प्रचारक भगोड़े हैं, इससे बीजेपी को होगा फायदा या फिर होगा नुकसान। संदीप जी, खेल नीतियों की आपने बात करी, सुन लीजिए ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सवाल छोड़कर भाग रहे हैं, कमाल है संदीप जी। अगर आज आप हल्के में जाएंगे तो हल्के का गांव है कोहली, उसके अंदर खेल स्टेडियम और व्यायामशाला है जिसमें आज भी 5-5 फुट पानी भरा है, तो क्या सुशासन के द्वारा ये देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपने खेल स्टेडियम और उसकी बात की है, मैंने कभी एक बहुत बड़ी बात की है ऐप की, और पहले स्टेडियम जो बने हुए थे, मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ वोट लेने के चक्कर में जो बनते थे, हमने उन चीज़ों को मरम्मत भी करनी है, मरम्मत के पैसे भी रखे गए हैं और उसको सुचारू रूप में चलाना भी है। ये सिर्फ इसी कारण से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले इसी प्रकार चलता रहा था कि स्टेडियम बना दो, खिलाड़ी है नहीं, खिलाड़ी आते रहते हैं, खिलाड़ी बनते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं किस गांव में किस गेम को खेला जाता है और किस गांव में किस खेल के खिलाड़ी होते हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। समान रूप से हुआ है, अगर आप आदमपुर में अभी आप जाओगे प्रचार के लिए तो बड़े बड़े गड्ढे आपका स्वागत करेंगे वहाँ पर। देखिए ऐसा है, हर जगह पर आप पूरे हरियाणा में घूम लीजिए, अभी पीछे बारिश के मौसम में कई जगह पर हुआ है, और जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ सड़कों के, वो नंबर्स के हिसाब से आपको पूरी डिटेल दी जाएगी किस किस सड़कों पर काम हुआ है, जो पेंडिंग भी है वो भी काम होंगे, क्योंकि अभी हर हलके में तकरीबन 25 करोड़ के आसपास हर हलके में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पेंडिंग है वो काम भी कर रहे हैं। आपका पिछला जवाब जो था, एक एक मैं तो साथी ने सवाल पूछा था उसको ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत पुराने किसी के पास नहीं है जिस ग्रामशाला का इन्होंने जिक्र किया, 2018 में बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट से उसका उद्घाटन किया, ग्राउंड लेवल से 5 फीट नीचा है, समझ नहीं आता कि व्यायामशाला बनाई गई थी कि स्विमिंग पूल, हो सकता है पत्थर गलत लग गया हो, क्या इस तरीके की जो गलतियां हैं पूर्व की सरकारों पर। देखिए ये सारी जितने भी पूर्व की सरकारों पर आप थोपेंगे या फिर वास्तव में किसी अधिकारी की गलती नहीं है, उसमें इंक्वायरी मार्क करने का काम आप करेंगे। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसको इंक्वायरी भी करवाएंगे और उसकी पारदर्शिता के साथ जिसकी भी गलती है उसके ऊपर काम करेंगे। संदीप जी, एक सवाल है, आपने कहा कि 40 नर्सरियां यहां दी हैं, तो आदमपुर में एक तो कितनी नर्सरी? 5 नर्सरियां। आपने कहा कि 8 साल में 4 करोड़ के यहाँ पे काम किए स्पोर्ट्स कोटे की, जो बात है, तो इसमें आप बता पाएंगे कि ये पैसा? डिटेल आपको मिल जाएगी स्टेडियम पर स्टेडियम की, कौन कौन से स्टेडियम में क्या क्या कार्य हुए हैं, और मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर 40 नर्सरी, जिले की बात करूँ 40 नर्सरियाँ हैं और तकरीबन 36 कोच जो सरकारी हैं और नर्सरियों के कोच अलग हैं, पहले खेल परिसर और मिलाकर 12 हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम्स हैं और 20 जो हैं वो रूरल स्टेडियम्स हैं, और रही बात तो इसमें 5 जो नर्सरियां हैं उसमें एथलेटिक्स की है, वॉलीबॉल की है, कबड्डी की है, यहाँ पर कबड्डी वॉलीबॉल एथलेटिक्स सबसे ज़्यादा आदमपुर में खेली जाती है। सर, कुड्डन गांव को आप जानते होंगे, बजरंग पुनिया का गांव है, और ओलंपिक में जब हम कहाँ पर हैं अभी? अरे हम कहाँ पर हैं अभी भाई, कहाँ पर है आप, कहाँ पर है? सवाल कर सकते हैं ना संदीप जी, सवाल है कि 2506 के दस्तावेज फर्जी पाए गए और 2000 कौन से जो खेल कोटे से जो डी ग्रुप में और अदर जो, देखिए ये सारी चीजें विजिलेंस के, मैं आते ही, जब मैं आया हूँ आते ही आप मेरी पुरानी कोई भी पत्रकारों के साथ जो प्रेस वार्ता की है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आते ही कहा था इसको इंक्वायरी कराएंगे और विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी है इसको, और शुरू भी हो गई है, वो इंक्वायरी शुरू भी हो गई है। राहुल जी, आप एक बड़ा इशू है इस इलाके में, यहाँ पर नशा जिसको चिट्टा हम कहते हैं,
इस इलाके को और आगे इससे थोड़ा सा कवर करेंगे, फतेहाबाद और सिरसा के अंदर चले जाएंगे तो जो राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ से बहुत सारा चिट्टा या नशा वो सप्लाई होता है। और ये जो इलाका है, जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आ रही है और नशे के तरफ वो लोग जा रहे हैं। आपके स्पोर्ट्समैन का तो मुझे पता नहीं है, अभी स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ आ रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे शाम को खेलते हैं वो चिट्टा भी करते हैं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते स्पोर्ट्समैन वो नहीं है। जो स्टेडियम में जाता है शाम को खेलता है वो स्पोर्ट्समैन ही हम उसको मान सकते हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे कोई ठोस कदम उठाए गए हैं कि ड्रग्स की जो है एंट्री स्पोर्ट्स के अंदर ना हो? देखिए, एक वाडा होता है, एक नाडा होता है। अगर आपको जानकारी नहीं, मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा के तहत मैं सारी जो पीछे हमारी खेलो इंडिया के दौरान भी और उससे पहले भी हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ भी इस चर्चा में हुई थी कि हमारे हरियाणा में रेगुलर इस चीज़ की टेस्टिंग होनी चाहिए और उसकी हो भी रही है। रिसेंटली एक रोहतक के अंदर, इवन भिवानी के अंदर, सिरसा के अंदर, पंचकुला के अंदर, सोनीपत के अंदर, कई ऐसे जिलों के अंदर, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई जिलों के अंदर वो क्या करते हैं, वो रैंडमली आते हैं और खिलाड़ियों की टेस्टिंग करते हैं। उससे पता चलता है कि खिलाड़ी वाकई में गेम के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहा जिससे कि वो जो नशीली पदार्थ या कुछ ऐसा पदार्थ, तो ऐसे टेस्ट कर रहे हैं जिससे खिलाड़ियों के अंदर ये भी डर रहता है कि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स करियर भी खराब हो। सर, 7 साल पहले जो है सरकार ने घोषणा की थी हर गांव में या तो उपजिम बनेगा या व्यायामशाला बनेगी, तो 7 साल में आदमपुर हल्के में कितने गाँव में उपजिम है, कितने व्यायाम, ये डिटेल आपको दे दीजिए। उत्कृष्ट कार्यों के लिए और सुशासन के लिए अवार्ड मिला हरियाणा सरकार को। जब पिछली बार ये अवार्ड मिले थे वो 24 थी उनकी संख्या हरियाणा को मिलने वाली, आप ही की सरकार थी, और अब इस बार केवल, देखिए हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, दो ही मिले इस बार। मैं कहता हूँ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, हम नंबर वन चल रहे हैं तो उसके ऊपर तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। संदीप जी, खेल नीतियों की आपने बात करी, सुन लीजिए ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सवाल छोड़कर भाग रहे हैं, कमाल है संदीप जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।